जिसको मर्जी वो आके बोले झूठ, झूठ पे झूठ, कागज दिखाएं और ऐसा बेहुदा बकवास करें जिसका न कोई सर न कोई पैर। एक बंदा बोलता है जी ये तो मेरा दोस्त है, मैं उसको बहुत जानता हूँ, मैं बंदे से मिला भी नहीं हूँ, आई डोंट नो हु द हेल इज, आई हैव नो आइडिया। दूसरा बंदा अपने आप को बहुत बड़ा लीडर तसव्वुर करता है और बोलता है इनने जी फोर्ज डॉक्यूमेंट्स किए हैं, तो चलो आप बोलो कलकत्ता में जज के सामने बताओ सारा, वही आटे दाल का भाव पता लगेगा। चलिए उधर 6 जून आपकी डेट फिक्स की गई है, शेख इमरान साहब की और इसकी संदीप मावा की, और वो इस्तेमाल करते हैं आप जैसे लोगों का, मीडिया इस्तेमाल करते हैं और गलत तासुर देते हैं लोगों को। थोड़ा सा विस्तार, ये डिमोलिशन ड्राइव हुआ था उस वक्त मैंने वो बात की थी, डिमोलिशन ड्राइव के बाद मैंने उनको डॉक्यूमेंट्स दिखाए थे उस वक्त, वो कहते हैं कि ये सारे ये जो उनने दिखाया ये फेक है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, अगर फेक है तो आप चलो कोर्ट में चलो बताओ, और आपने जी 113 कनाल लैंड लिया हुआ है, उसके बाद अब वहाँ की ये CRP और BSF से वहाँ का किराया खाते हैं, हालांकि इस लैंड के साथ हमारा दूर दूर का वास्ता ही नहीं है। वो कह रहा है कि ये 40 कनाल लैंड मुजफ्फर शाह की है। अरे भैया हेलो, आके दिखाओ तो कहाँ है सुदट में, उस पर जाके तहसीलदार साहब और DC को बोल दूँ कि हमको दे दें। सो उस चीज़ का नोटिस लेके मावा साहब की भी जो बदजबानी वो करते हैं, बद इखलाकी करते हैं पॉलिटिकल लोगों के साथ में, किसी के साथ में भी एक गलत बात है, बिजनेस कम्युनिटी के साथ में गलत बात है, और फैक्ट्स को एस्टैब्लिश किए बगैर वो इस तरह के चार्जेस देते हैं। सो उसके अगेंस्ट में, क्योंकि मेरी कंपनी कलकत्ता की बेस्ड है पिछले 40-45 साल से, तो हमारे बोर्ड ने ये वहाँ पे हमारे जितने भी लोगों ने, लाखों लोगों ने वहाँ देखा ये इंटरव्यू, और जो वेनमस स्टेटमेंट्स उनने दी, फार्स और डेरोगेटरी एलिगेशन लगाए, तो हमारे बोर्ड ने मुनासिब समझा नहीं है इन पर बाज़ाब्ता तौर डिफेमेशन और हद की इज्जत का दावा कर देना चाहिए। सो अंडर सेक्शन 499 एंड 500 वहाँ पे कंप्लेंट दायर की गई और जज साहब ने वो कंप्लेंट मानी, चीफ जुडिशल मजिस्ट्रेट ने, और 6 जून 2023 को इन दोनों असाब को, इमरान क्या नाम है, शेख इमरान साहब को और संदीप मावा साहब को वहाँ पेश होना है। और मैं एक एग्जाम्पल सेट करना चाहता हूँ यहाँ पर कि आप मीडिया को इस तरह से गलत इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, आप फॉल्स एलिगेशंस नहीं डाल सकते हैं। ये आइंदा आप सब लोग ध्यान रखें, जितने भी लोग यहाँ पर इस किस्म का बयानात देते हैं जिनका कोई वास्ता ही नहीं हो किसी चीज़ से, नायाब और मनगढ़ंत। सो आपको इसके लिए, इस चीज़ के लिए यू विल हैव टू फेस द लॉ, और इसका और इसमें सज़ा बहुत ही ख़तरनाक है। क्योंकि हमारे पास ना हमारे घर में कभी मकरू आया है ना कभी आएगा इंशाल्लाह, इसलिए हमको इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मगर आप हमारी इज्जत को, हमारी पगड़ी को, हमारे बुजुर्गों की पगड़ियों को उछालने के दिन रात और गलत बयानात करेंगे। एक जो दूसरा हो, जो मैंने जो पंडित जी हैं, मैं तो उसको जानता तक भी नहीं हूँ, मैं आज तक उसको मिला भी नहीं हूँ कभी, और आजकल वो तमाम बिजनेस हाउसेज के पीछे लगा हुआ है। बड़ी अजीब, बहुत ही गलत चीज़ है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत।